मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग़ से जहाँ पे आया हूँ जी ऑबियसली पीटीआई का ही है हर तरफ शोर और आई थिंक कि यही एक पार्टी है जो कि एक गरीब तबके का ख्याल रख सकती है बाकी तो अशराफिया है लीड क्लास है सब उसका ख्याल रखते हैं मेरे ख्याल से दो तहाई एक अक्सरियत से इस बार जो है वो पी विन करेगी और uh, इसकी एक पावरफुल गवर्नमेंट होगी और जितनी भी पॉलिसीज़ जिनके जो के पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी वो इस वार इनशा तला इम्प्लीमेंट होंगी पूरी उम्मीद है खान के हाथ पहले बंधे हुए थे पहले अलायंस हुआ हुआ था दूसरी पार्टीज़ के साथ आई थिंक कि अब इन शाह तवाम को बिल्कुल समझ आ गई है और दो तहाई से आएगा और जितने भी कवानी जो कि पहले पास नहीं हो सकते थे असम्बली के अंदर वो इनशाला तला पास होंगे मेरा ये ख्याल है कि जो कवानीन पहले जो मौजूद हैं ऑलरेडी उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ वो करंटली नहीं है और पिछले दस महीनों के अंदर उसकी तो मेरा ख्याल से धजियाँ उड़ा दी गई हैं से बिल्कुल ऐसे ही है चूँकि ये दो बहुत बड़े आबादी वाले सूबे हैं पंजाब और के पी के और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी भी यही चाहेगी क्योंकि अगर इनके अंदर पहले इलेक्शंस हो जाएं और फिर अक्टूबर के अंदर बाकी दो सूबे में हो जाए तो खान का ऑब्वियसली फोकस जो है वो उन दो सूबों में होगा सिंध के अंदर फिर ये कभी भी नहीं चाहेगा जरदारी कि वहाँ पे पीटीए की गवर्नमेंट आए तो मेरे ख्याल से अब जरदारी की यही गेम होगी कि वो यही कहेगा वहाँ इसको शबाज शरीफ की पार्टी को कि वो जनरल इलेक्शन करवा दे यही उसी के हक में बेहतर रहता अगर उसने ये ना करवाया तो फिर उसके हाजिर सिंध भी चला जाएगा वैसे तो अगर वैसे असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त जो है वो इलेक्शन होने चाहिए आ, लेकिन अगर दूसरी साइड देखी जाए जिसके अंदर ख़ान कह रहा है कि पंजाब और के पी के में पहले इलेक्शन करवा दें तो इसमें खान का ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा फ़ायदा है अच्छा तला इस बार जब वो पावर में आएगा तो जितने भी यहाँ पे माफियाज हैं उन सब के ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होगी हमें पूरी उम्मीद है खान ने पहले भी ये चीज़ को इस चीज़ को साबित किया है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी उमत मुस्लिम का एक मंझा हुआ लीडर है और उसका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है ठीक है अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सऊदी अरब तुर्की ईरान और जितने भी ज़्यादा आबादी वाले और बड़े ममालिक हैं और उनके ऊपर ऑब्वियसली खान असरानंदाज़ होगा और उसकी बात मानी जाएगी पहले से ही इन सब चीज़ों से वाकिफ था अभी से चूंकि खान ने पहले भी कहा था कि अगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा मेरे ख्याल से उसने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को साबित कर दिया ये बेसिकली अभी ये है कि जो ज्लीमानी निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स उसको पहले फेस करना पड़ी हैं अब जैसे कि टर्की ने फ्लरिश किया है और इसके अलावा चाइना इसी मेकनिज़म के ऊपर है सदारती निज़ाम के ऊपर और उसके अंदर यह है कि उसके सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो कि मुल्क और आवाम के हक में बेहतर हैं